विश्व में विभिन्न देशों के बीच जारी जंग में दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी न किसी के साथ हैं। इनमें वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज्यादा चर्चित अमेरिका और ईरान है। अमेरिका जहां इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के साथ है, वहीं ईरान हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का समर्थन कर रहा है। ये जिनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें सैन्य हथियारों से लेकर वित्तीय मदद तक उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में यूक्रेन, इसराइल और ताइवान की मदद के लिए $95 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। अमेरिका से मदद पाने वाले देश अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उस फंड को इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मदद पाने वाले देश जहां सहायता पैकेज से खुश हैं, वहीं उनके प्रतिद्वंदी देश अमेरिकी सहायता पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कर रहे हैं। यूक्रेन को मिलने वाली सहायता पर रूस ने कहा कि अमेरिकी मदद के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ चीन ने बुधवार को ताइवान को मिले अमेरिकी सैन्य सहायता के नए पैकेज की निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हम पहले ही अमेरिकी सचिव को आसपास की परिस्थितियों की पूरी जानकारी दे चुके हैं। ब्लिंकन की चीन यात्रा, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अमेरिका और ताइवान के बीच सैन्य समझौते को मजबूत करने से ताइवान सुरक्षित नहीं होगा और न ही ये ताइवान को स्वतंत्र करा सकता है, जबकि इससे ताइवान में तनाव, संघर्ष और टकराव का खतरा ही बढ़ेगा और अंततः ये पत्थर उठाने और अपने पैर पर पत्थर मारने जैसा होगा। ताइवान मामलों के कार्यालय की एक चीनी प्रवक्ता झू फेंगलियान ने कहा कि ये सहायता चीन के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करती है और ताइवान इंडिपेंडेंस सेपरेटिस्ट फोर्सेस को गलत संकेत भेजती है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अलग देश के रूप में नहीं बल्कि एक अलग हुए प्रांत के रूप में देखता है। अमेरिकी सहायता से खुश ताइवान के आने वाले राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने कहा था कि अमेरिकी सहायता पश्चिम प्रशांत सहयोगी श्रृंखला में अधिनायकवाद के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करेगी और ताइवान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी और क्षेत्र में विश्वास बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिकी सहायता पैकेज से ताइवान की सेना को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चीन अक्सर द्वीप के पास सैन्य युद्धाभ्यास करता रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे पश्चिमी नेताओं ने भी चिंता जताई है कि चीन आने वाले वर्षों में ताइवान पर बलपूर्वक नियंत्रण कर सकता है। चीनी आक्रमण से न केवल मानव जीवन की हानि होगी बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स का एक प्रमुख उत्पादक है और सेमीकंडक्टर की उपयोगिता ऐसी है कि फोन से लेकर कार तक लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इसका इस्तेमाल होता है।